Dear students, today we will discuss problem from exercise 12.1, that is question number 4. The wheels of a car are of diameter 80 cm each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो कार के व्हील्स हैं उसकी डायमीटर गिवन है 80 सेंटीमीटर. ये बताना है आपको कितने रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा, कितनी देर में, 10 मिनट्स में. और कार की स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आर. इफ़ यू रिमेंबर, हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, ऑल फॉर्मूलाज विच विल बी यूज्ड इन योर चैप्टर. तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी था, अगर आपको नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने हो, देन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू, ऊपर आता है न्यूमरेटर में आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैसे निकलेगा, देखिए बेटे स्पीड भी गिवन है, टाइम भी गिवन है. आप जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. डिस्टेंस विल कम फ्रॉम हेयर अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील. डायमीटर इज गिवन, हम रेडियस से निकालेंगे. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं जो यहाँ पर डायमेंशन गिवन है उनकी यूनिट्स भी सेम है या नहीं. सो हेयर डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ व्हील इक्वल्स टू 80 अपॉन टू, दैट इज 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स व्हेन स्पीड ऑफ कार इज, स्पीड इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर पर आवर. नाउ सी केयरफुली, यहाँ पर डिस्टेंस सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है और यहाँ किलोमीटर में है, तो वेरिएशन आ गया है. यहाँ टाइम मिनट में है, यहाँ आर में है. तो एक काम करते हैं, इसे तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी सबको हम किलोमीटर पर आर में, यानी किलोमीटर एंड आर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो चलिए, इसे हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में ले जाना चाह रहे हैं, तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड, फिर दोबारा 100 से डिवाइड. किस से डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे बेटे, 1 मीटर में हो जाएंगे 1/1000 किलोमीटर्स. सो यानी पहले ये सेंटीमीटर से मीटर में किया, 100 से डिवाइड करके हैंड टू हैंड हम इसे किलोमीटर में लेके जा रहे हैं, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से. दिस जीरो इज कट, आई एम गेटिंग हेयर 4/1, 1, 2, 3, 4, 4 ज़ीरोज़. नाउ इट इज़ इन किलोमीटर, रेडियस इज इन किलोमीटर, टाइम मिनट्स में हम आर में पहुंचा देते हैं. तो हम जानते हैं मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होता है. सो आई एम गेटिंग हियर 1/6 आर. नाउ सी केयरफुली बेटे, हमें क्या चाहिए फॉर्मूला, आप एक बार रिकॉल कर लीजिए अपने माइंड में. नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सर्कमफेरेंस. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकाल लेते हैं. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. सो स्पीड इज 66 एंड टाइम इज 1/6 इन आवर. सो इट इज 11 किलोमीटर, दैट इज माई डिस्टेंस. हैंस नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इक्वल्स टू, नाउ फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन circumference of wheel. Now total distance is 11, circumference of wheel होता है बेटे 2πr, so pi is 22/7. and what about radius, radius हमारी है 4/, ये ऊपर आ जाएगा 10,000. I have 1, 2, 3, 4 zeros. देखिए यहाँ भी 4 zeros हैं, let cut it. So इसे cut कर लेते हैं पहले हम. 2 5s are 10 000, 2 1s are 2 2 1s are 2 2 2s are 4 2 5s are 10 00, 11 से 11 cut, 4 के table में देखिए आता है 4 6s are 24 10 हो गया है, 4 2s are 8 2 4 5s are 20, 6 2 5 into 7, दैट इज इक्वल्स टू 7 5s are 35, 7 2s are 14 15 16 17, 7 6s are 42 4375 revolutions is our answer. This question is very important from this exercise, so you must do it properly. आपको इसे अच्छे से समझ के करना है, logic याद रखना है. It would be better if you will learn this formula. जब भी आपको number of revolutions निकालने हों, तो ऊपर आता है total distance traveled, नीचे आता है circumference of wheel.
उसको करने के लिए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्या डायमेंशन सबकी सेम है? अगर आप यूनिट्स को सेम नहीं बनाएंगे देन यू विल गेट डेफिनेटली रॉन्ग आंसर, आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो बेहतर है आप सबसे पहले सबकी यूनिट्स को सेम बनाएं, सेम बनाने के बाद आप डिस्टेंस निकालें स्पीड मल्टीप्लाई टाइम फॉर्मूले से, देन यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस क्वेश्चन नंबर 4। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी आपने ट्राई कर लिए होंगे, दे आर ईजी, सो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एग्जाम्पल इसमें गिवन है, उसमें आपको कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है और पर यूनिट गिवन है। तो आप जानते हैं अगर आप टोटल कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करें तो आपकी वो क्वांटिटी आ जाती है जिसमें आपने उसे इस्तेमाल किया है। जैसे अगर आपने ये किया है कि फेंसिंग करने में सरकमफेरेंस में किसी आप फील्ड की बाउंड्री कर रहे हैं, तो बाउंड्री करने में आपने टोटल अमाउंट दिया है 400 रुपीज़ और 1 मीटर के चार्ज है सिर्फ 20, तो बताइए आपने कितनी बाउंड्री कवर की। तो डिवाइड जब आप करते हैं तो 20 मीटर आंसर आ रहा है, यानी आपने 20 मीटर सरकमफेरेंस ली है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा, जब भी आपको टोटल कॉस्ट गिवन हो तो आप पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड करके वो निकाल सकते हैं कितना आपने क्वांटिटी इस्तेमाल की है। सो इसी लॉजिक का इस्तेमाल आपको एग्जाम्पल में करना है और स्क्वेयर बेस्ड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में गिवन है 1 to 5, ऑल आर इजी, तो आप लोग सब ट्राई कीजिएगा। इन केस इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए उसे। यू कैन राइट योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड वेयर एवर यू वॉन्ट। थैंक यू।